ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां पर षष्ठी पूर्ति महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत कर रहे हैं। तो जोरदार अभिनंदन सब महापुरुषों का जो यहाँ पर कृपा पूर्वक पधारे हैं और अपने आशीषों से भी सब अनुग्रहित उपकृत हमें कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम। आज जिनका षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है और आज ही जिनका अवतरण दिवस है, जो वात्सल्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ऐसी हमारी पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी से अब हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर समस्त अति मथुरा में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और वहीं उनके साथ में मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मथुरा में षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन आज किया जा रहा है। बीच में है, इसलिए करतल ध्वनि करके उनका स्वागत करो। उन्होंने सारे संसार में निश्चित कर दिया कि राम हमारी गति, हमारी मति, हमारी शक्ति, राम हमारा धर्म, हमारा कर्म। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है और बिना राम के भारत भर में भारत वर्ष कहाँ है, ऐसा निश्चय सबके चित्त में स्थापित करने वाले पूज्य महाराज श्री की भी मैं पुष्पमाला पहले मिल गई। आप भाइयों को पाके सारे जगत में गीता के प्रसाद को, अमृत को पहुंचाने वाले जियो गीता, रोम रोम में, वाणी में, आचरण में, व्यवहार में, कर्म में, सदकर्म में, चिंतन में और विचार में, और इतना चिंतन करो कि तुम स्वयं गीता बन जाओ, ऐसे गीता मनीषी संदेश देने वाले हमारे पूज्य महाराज श्री ज्ञानानंद जी महाराज। आप राम जन्मभूमि के आंदोलन के भी हम साथी हैं और आपके अज्ञातवास अखंड परम धाम को भी मैं जानती हूँ। अखंड परम धाम का आपका निवास है। मेरे बहुत ही अजीज, लाडले, प्यारे, क्या कहूँ, किन शब्दों से कहूँ, मैं तो बहुत लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ती हूँ। और आचार्य जी ने कहा और महाराज जी ने कहा कि सबका ब्याह कर करके ही विदा करोगे, कुछ विदुषी, कुछ विद्वान, कुछ सन्यासी भी बनाने हैं। इसलिए आपने जिन बच्चियों के गीत सुने, रात्रि को कार्यक्रम देखा, वो सब वात्सल्य ग्राम की पुत्रियां हैं, लेकिन अपने आप को योगिनी बनाने के लिए वो पतंजलि गुरुकुल में वास करती हैं। उन बच्चों ने जो तैयारी की, आचार्य जी ने जो मुझे प्रसाद दिया है, और मैं पूज्य स्वामी जी महाराज आपको भी बहुत बहुत वंदन करती हूँ। सम्मान आचार्य जी को भी मैं सम्मान करती हूँ। तुम्हारी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी जय हो आचार्य जी। अखंड परम धाम की जाज्वल्यमान परंपरा को अग्रसर करना है युगों युगों तक, ये उत्तरदायित्व मेरे अनुज को है। मैं स्वामी जी ताली तुम्हारी कम क्यों है, हमारे बीच में सबको आनंद बांटने वाली और जिनके नाम में ही आनंद मूर्ति है। संत तो स्वतः ही आनंद भाव में ही निमग्न होते हैं, लेकिन उसका प्रसाद भी वो देते हैं। हमारे बीच में गुरु माँ जी भी राजे हैं, मैं उनका भी स्वागत सत्कार करती हूँ और आप भी ताली बजा के उनका स्वागत। आज मुझे मेरे जन्मदिन पर सभी संतों के वंदन का अवसर है। देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे भाग्य पे भी ताली बजा दीजिए।
साथ नहीं छोड़ूंगी। आज वो केंद्रीय केंद्र सरकार में मंत्री की भूमिका निभा रही हैं, निरंजन ज्योति जी। रविकांत जी, सेठ नारायण, सबका, और मेरे जो